ये एचपी का डेस्कटॉप है, 8000 सीरीज़ का डेस्कटॉप है ये। इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब भी सिस्टम ये ऑन हो रहा है, ये बूट MGR मिसिंग कर कर आ रहा है। अल्ट कंट्रोल, अल्ट प्लस कंट्रोल से रीस्टार्ट होगा। तो इसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो इसमें जो कंप्लेन है, इसका कंप्लेन ये है कि पूरा ये लिख, जब भी ऑन करते हैं ये लिखा रहा है। तो इसका विंडोज़ करप्ट है, हो सकता है, या HDD से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे ख्याल से विंडोज़ तो करप्ट नहीं है, चलिए बिना विंडोज़ करप्ट, सॉरी विंडोज़ करप्ट है। तो सबसे पहले हम USB पेन ड्राइव से इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करके देखते हैं। ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, तो इसका DVD राइटर तो सही नहीं है, इसलिए हम इसका USB बूटेबल पेन ड्राइव से लगा रहे हैं इंस्टॉलेशन में। अगर आपके पास CD या DVD राइटर है तो उससे भी आप लगा सकते हैं, और प्रोसेस सेम ही है। जैसे कि अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करना है, जैसे ये देखिए अल्ट कंट्रोल डिलीट बटन। अब जस्ट तुरंत बात करना है F9, इसका जो F9 है वो है बूटिंग की, और F10 है इसका बायोस की। तो F9 प्रेस करने के बाद देखिए सेकेंड नंबर पर ये USB आ गया है। अब USB पे इंटर प्रेस करना है, इंटर इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे ये खुद बूट में बूटिंग लेने लगेगा। जब तक बूट नहीं लेगा, जब तक नीचे लाइनिंग नहीं आएगा बूटिंग का, जब तक हम प्रेस करते रहेंगे, ये देखिए ये प्रेस, अब ये बूट लेने लगा, अब ये बूटिंग लेने लगा। तो इसमें आगे का प्रोसेस भी हम आपको दिखा देंगे कि आगे इसके बाद क्या प्रोसेस होता है। और विंडोज़ ये जो पेन ड्राइव है इसमें बहुत सारा विंडोज़ है, मतलब कि जैसे 32 बिट या 64 बिट, इसमें भी ऑप्शन आता है। तो इसमें ऑलरेडी पहले से जो इंस्टॉल्ड था सिस्टम में 64 बिट था, तो इसमें 64 ही बिट इंस्टॉल भी करना है। तो इसमें दिखाते हैं वो प्रोसेस कहाँ पे आता है USB पेन ड्राइव में। अगर आपके पास CD है तो CD में ये ऑप्शन नहीं आएगा, पेन ड्राइव में ही आएगा। CD में भी आता है, अगर CD में राइट है 32 और 64 तो वो उसमें भी आएगा। तो ये मेरे पास पेन ड्राइव है, इसमें अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल नाउ। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वो अपना आएगा। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ 64 बिट सेलेक्ट करके अपना ये जो हार्ड डिस्क शो करने लगा। तो ये देखिए ये जो है पहले का जो विंडोज़ जो भी है करप्ट है, उसको हम फॉर्मेट कर रहे हैं। वो फॉर्मेट करने के लिए प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं, एक ही ड्राइव बना हुआ है। तो चलिए फ़िलहाल हम भी इसमें एक ही ड्राइव बनाते हैं और इंस्टॉलेशन के लिए लगा देते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाए।